ओम शांति। 20/6/2020 मुरली सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है, इससे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति।